आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद बी एच इन्फोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है तो देखिए सी यू ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिले होंगे और इसके अलावा कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने जो है एलिजिबिलिटी के क्रिटेरिया है वो जारी कर दिए हैं कि किस कोर्स के लिए आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना है या कौन सा आपको टेस्ट देना होगा ठीक है और अभी काफ़ी सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो मेजर मेजर हैं जैसे कि बी एच यू डी यू जी एन यू वगैरह तो इन सब की अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आया है हालांकि दो तारीख़ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है ऑफिशियल इंफॉमेशन uh, के मुताबिक तो देखते हैं क्या होता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी तक जिस तरह से आपको uh, कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया कुछ जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और इसके अलावा ए का भी जो है uh, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है ए यू हालांकि सी ही देगा लेकिन उसने जो ब्रोशर निकाला है वो उसने खुद के एंट्रेंस वाला जो पैटर्न है वही उसने वहाँ पे लिखा हुआ है तो देखते हैं चेंज किया जाएगा तो आप कुछ मत करिए आप बस वेट करिए और अपनी तैयारी को आगे करते रहिए तो देखिए हम रीजनिंग कर रहे थे रीजनिंग के हमने तीन चैप्टर्स जो कर है कर दिए हैं कुछ एक आ, प्रैक्टिस सेट भी किए थे हमने ठीक है तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जनरल टेस्ट जो होगा आपका उसके अंदर आपको जो है रीजनिंग देखने को मिलेगी पहले भी हमने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है और जैसे कि अभी मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी का देखा था तो उसमें जैसे कुछ कोर्स है स्पेसिफिक उनके क्या है कि उनमें बस एक ही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आपका बस एक जनरल टेस्ट होगा और उसी टेस्ट के ऊपर जो है आपको एडमिशन मिलेगा या बस एक ही टेस्ट आपको अपियर करना होगा तो इससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे कोर्स होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ एक जनरल टेस्ट देना होगा जिस तरह से या अदर कम्पेटेटिव एग्जाम्स में होता है एक कॉमन बस टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक आपका जनरल टेस्ट होगा ठीक है तो आप इसका प्रिपेयर करते रहिए ठीक है, है जनरल टेस्ट के अंतर्गत आपको पहले ही बताया है लैंग्वेज एक नंबर पर उसके बाद में आपका रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो भी जनरल मैथ्स है और इसके अलावा चौथा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का इसके अंदर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं और जो भी जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज की जो भी चीज़ें हैं जनरल इंटेलिजेंस वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो हमारा नया चैप्टर है आज का क्लासीफिकेशन ठीक है क्लासीफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण तो देखिए वट इज़ क्लासीफिकेशन वर्गीकरण होता क्या है रीजनिंग के अंदर हमारा चैप्टर है वर्गीकरण तो वर्गीकरण होता क्या है इस टर्म की परिभाषा क्या है देखिए वर्गीकरण क्या होता है आप हमेशा से पढ़ते आए हैं आपको कुछ टर्म्स या कुछ चीज़ें दे रखी है अगर आपको उनकी किसी क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड कर देते हैं बांट देते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने इसका वर्गीकरण कर दिया या हमने इसे क्लासीफाई कर दिया यानी उनकी किसी क्वालिटी के लिए ठीक है या जो भी उनकी मतलब करेक्ट्रिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना या फिर उनमें से डिफ्रेंशिएट करना किसी एक को अलग से तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ये एक परिभाषा है तो हमारी रीजनिंग में वर्गीकरण से कि हमारा क्या लेना देना है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखने जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होता है आपके रीजनिंग के अंदर आपसे ये कहा जाएगा कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे वन टू थ्री फोर ठीक है तो चार चीज़ें लिखी होगी हो सकता है ये चार क्या हो कोई वर्ड्स हो नाउन वगैरह ठीक है या फिर हो सकता है कि चार क्या हो संख्याएं हो या क्या हो चार कोई भी सिंबल हो अल्फ़ाबेट्स या डिजिट भी हो सकता है तो उनमें से आपको क्या होगा उनमें से चार या पांच जो भी वो आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें से एक जो है वो बाकी तीनों से जो है डिफरेंट होगा यानी आपको पता क्या करना होगा आपको उन सभी जो भी उसके कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं उन चार में से आपको देखना है कि कौन से तीन सिमिलर हैं और कौन सा एक अलग है तो जो अलग होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दिखाता हूँ मैं आपको आगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यानी क्लासिफिकेशन के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है या कौन सा बाकी तीनों से अलग है ठीक है तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पे मैंने मेजरली इसको चार भागों में डिवाइड किया है पहला टाइप है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको वर्ड्स दिए जा सकते हैं तो पहला टाइप हम देखते हैं वर्ड्स वर्ड्स यानी कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे ये मैंने लिखे हुए हैं जगह के नाम इसके अलावा आपको कोई भी कलर मिल सकते हैं या मतलब कुछ भी वर्ड्स होंगे मीनिंगफुल वर्ड्स जो होते हैं वो चीज़ें देखने को मिलेगी तो आपको क्या करना होगा आपको जो दिए हुए चार ऑप्शन हैं इनमें इनको देखना होगा और अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना होगा कि इनमें से कौन सी आपस में सिमिलरिटी रखते हैं या फिर कौन सा जो है बाकियों से अलग है ठीक है तो हम जब हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा या ऊपर लिखा होगा कि चूज़ द वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शन ठीक है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम हमारे ऑप्शन को देखेंगे कि क्या क्या है सबसे पहले दिया हुआ है भोपाल भोपाल एक जगह का नाम है क्या है भोपाल भोपाल है एक राजधानी किस इंडियन स्टेट कौन सा है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल इसके अलावा हम मुंबई की बात करें मुंबई क्या है महाराष्ट्र की राजधानी है ठीक है या फिर एक सिटी है बड़ी लखनऊ की बात करें लखनऊ क्या है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है यानी यूपी की राजधानी है कैपिटल है वहाँ की तो हमें इस तरह से ये पता चल रहा है कि ये तीनों सिटीज़ जो है ये तीन जो जगहों का नाम दिया है ये तीनों जो है कैपिटल है किसी ना किसी इंडियन स्टेट की इसके अलावा हम चौथे की बात करें वाराणसी वाराणसी हमें पता है हाँ ठीक है सिटी है उत्तर प्रदेश में है लेकिन ये कैपिटल नहीं है किसी का उत्तर प्रदेश का या किसी और का कैपिटल नहीं है तो इस तरह से जब आप अपनी जनरल इंटेलिजेंस के हिसाब से जो उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन से तीन सिमिलर है या कौन कौन सिमिलर है और कौन सा अलग है ठीक है तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है चलिए है रीजनिंग में आपकी जनरल इंटेलिजेंस आपकी जनरल नॉलेज भी इसमें जो है चेक हो जाएगी चलिए आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं वर्ड के ऊपर पहला है हियर हिंदी में लिखे तो सुनना ठीक है उसके अलावा है क्लाइंट क्लाइंट को हिंदी में कहते हैं चढ़ना किसी चीज़ पर चट्टान पर पेड़ पर स्विम का मतलब तैरना पानी में तैरना ठीक है और इसके अलावा रन है लास्ट दौड़ना भागना या दौड़ना ठीक है तो अब हमें क्या करना है ये चार हमको चीज़ें दी हुई है चार वर्ड्स दी हुई है हमें इनमें देखना है कि इनमें से कौन से सिमिलर हैं या किसी तरह से कोई ना कोई इनकी क्वालिटी जो आपस में, में मेल खाती है सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सुनना ठीक है एक क्रिया है इससे हम अपने कानों से जो है सुनते हैं उसके लिए हमें फ़िज़िकली कुछ करना नहीं पड़ता है अगर सब कुछ होके तो हमें अपने आप सुन जाएगा ठीक है इसके अलावा चढ़ना की बात करें चढ़ना की चढ़ना यानी क्लाइम करना किसी चीज़ पर पेड़ या चट्टान पर चढ़ना तो हमें फिजिकली वर्क करना पड़ेगा इसमें हमें जो है Uh, कह सकते हैं क्या कहते हैं हिंदी में विस्थापन होगा मतलब इसमें मोशन भी देखने को मिलेगा आपको ठीक है इसके अलावा तैरना की बात करें वही सेम चीज़ है इसमें भी फिजिकली आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कुछ काम करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा और इसके अलावा आप इसमें जो है गति भी होगी आप इसमें आगे बढ़ रहे हो यानी सुनना है सुनने के अंदर तो आपको ऐसे तो नहीं कि उसके पास जाकर सुनना पड़ेगा अगर ठीक है ऑडिबल है तो वो आपको सुनेगा उसके लिए कोई फिजिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा चढ़ना और तैरना की बात कर ली और लास्ट में है दौड़ना दौड़ना भी सेम है इसमें भी फिज़िकली uh, कुछ करना पड़ेगा हमें ठीक है तभी ये कार्य होगा तो इस तरह से हमें क्या पता चलेगा कि इन चारों में से जो सुनना यानी हियर है वो अलग है यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा बाकी तीनों मेल खाते हैं और जो मेल नहीं खाता है वो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा इसके अलावा हम चलते हैं टाइप टू पर टाइप टू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सिंबल्स भी हो सकते हैं चार ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे सिंबल्स में हम क्या देख सकते हैं सिंबल्स में जो डिजिट्स होते हैं अंक होते हैं गणितों के अंक होते हैं वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इसके अलावा सिंबल्स में आपको मिल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स यानी जो इंग्लिश के या हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चीज़ें देखने को मिल सकती है वर्णमाला जो होती है वर्ण होते हैं अलग अलग ठीक है और इसके अलावा सिंबल्स में आपको कुछ शेप भी देखने को मिल सकती है शेप जैसे आयत वृत्त त्रिभुज इंग्लिश में गए तो ट्राइंगल सर्कल एंड रेक्टेंगल तो इस तरह से कुछ आपको शेप्स भी देखने को मिल सकती है यानी सिंबल्स के अंदर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो हम इस हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसे देखते हैं सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये है अल्फाबेट के ऊपर रिलेटेड और अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैंने आपको पहले ही बताया था रीजनिंग जब हमने शुरू की थी हम चैप्टर वाइज और स्टेप वाइज करेंगे ताकि हमने जो पीछे किया है जो भी चैप्टर हमने किया वो आगे हमारे काम आए ठीक है हमने जब अल्फाबेट किया था तो उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था किस तरह से यूज होता है उसकी सीरीज की बात की थी है ना और उसकी नंबरिंग की बात की थी अब वही चीज़ यहाँ पे भी आपको जो हमारा फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं उसमें यूज़ होगी कैसे यूज़ होगी वो आप यहाँ देखिए हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये चार ऑप्शन एल के एम ई डी सी आई एच डी और एस आर क्यू अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छब्बीस अक्षर छब्बीस अल्फाबेट्स होते हैं उनको किस तरह से नंबरिंग दी जाती है ये सभी बातें हमने पिछले चैप्टर में क्लियर कर रखी है ठीक है इस ऑप्शंस की तरफ चलती है सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक एक ऑप्शंस को अगर अल्फाबेट्स वाला हमें मिलेगा तो एक एक ऑप्शन को लिखेंगे एल के और एम ठीक है ये जब आप प्रिपेयर कर रहे हो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तब आपको ऐसा करना है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे आपकी और आप इसमें जो है ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा आप उसको देखोगे एनालाइज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लॉजिक जो है इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है तो अभी हमको जो पहला ऑप्शन है वो है एल के और एम हम इस सीरीज़ को देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि अगर ये सीधी सीरीज़ होती तो तब तो ऐसा होता है कि जे के एल सॉरी जे के एल एम इस तरह से सीरीज चलती है हम ये मान सकते हैं के एल एम होता तो ये एक सीधी सीरीज हो जाती ठीक है इसको एक बार यहीं पे रोक के हम आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई e, डी और सी इसे देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो है अल्फाबेट्स में इस तरफ चल रही है यानी उल्टी सीरीज है सी आता है देन डी आता है देन ई e आता है ठीक है ये हमने देख लिया एनालाइज कर लिया अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आई है एच है और जी है इसमें भी वही चीज़ देखने को मिल रही है जी से एच एस से आई यानी उल्टी सीरीज़ लिखी हुई है फिर हम एक और देखते हैं एस आर क्यू क्यू से आर आर से एस अब हमें क्या पता चला कि ये जो तीन ऑप्शन थे हमारे ई डी सी वाले यानी सी डी ई था इसमें उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था जी एच आई था यानी सीधे में इस तरह से देख सकते हैं और इसमें पी के आर एस इस तरह से लेकिन जो हमारा एल के एम था इसमें उस तरह से सीरीज़ नहीं लिखी गई थी जिस तरह से बाकी तीनों में है यानी अगर बाकी तीनों वाला लॉजिक इसमें भी लगता तो ये इस तरह से लिखा जाता के से एल एल से एम ठीक है लेकिन ये एल के एम लिखा है यानी ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये बाकी तीन से अलग है यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बाकी तीनों से डिफरेंट है इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर देखने को मिल सकता है क्लासिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन ठीक है तो अगर आप नए हैं पहले वाला चैप्टर अगर आपने नहीं किया है अल्फ़ाबेट्स और नंबर सीरीज तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए सीधा आपको प्ले में मिल जाएगा सी यू सी टी चैनल पर देखोगे आपको प्ले उसमें तीनों चार चैप्टर जो पहले वाले हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे ठीक है चलिए आगे इसके अलावा सिंबल्स की बात की थी तो उसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं ठीक है नंबर्स के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपको कुछ संख्याएं देखने को मिल सकती हैं वही चीज़ करनी है हमें सभी संख्याओं को जो भी पॉसिबल जो लॉजिक आपके दिमाग में आता है वो लगा के देखना है कि क्या लॉजिक हो सकता है किस तरह से कोई एक अलग है इनमें से और बाकी सभी जो है सेम है हम सबसे पहले एक एक जो टर्म्स दी हुई है उनको देखेंगे वन सिक्सटी नाइन को देखेंगे हमें पता चलेगा पहली बात तो ये कि ये आ, क्या है विषम है यानी ओड है ये पता चलता है ठीक है या फिर इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक सौ उनहत्तर वन सिक्सटी नाइन जो है थर्टीन का स्क्वायर है फिर हम आगे देखते हैं वन नाइन्टी सिक्स इससे हमें पता चलता है ये है सम यानी ईवन है वन नाइन्टी सिक्स जो है किसकी स्क्वेयर होती है फोर्टी की स्क्वेयर है ये स्क्वेयर्स आपको याद होनी चाहिए इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए अगर पढ़ना चाहते हैं नंबर सीरीज को फिर से तो वो चैप्टर पहले आप क्लियर कर लीजिए ठीक है नंबर सीरीज़ के ऊपर भी जो रीजनिंग वाला चैप्टर हमने किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे वाले चैप्टर्स में ठीक है चैप्टर वाइज और स्टेप वाइज करिए ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपको ठीक है ये पता चल गया ये विषम था ये सम था तरह की स्क्वेयर चौदह की स्क्यर इसके अलावा दो सौ पचपन ये हमें पता चलता है क्या है दो सौ पचपन टू फिफ्टी फाइव और इसके अलावा ये किसी का स्क्र तो हमें देखने को नहीं मिलता है ठीक है लास्ट टू एटी नाइन पर चलते हैं 289 का हमें पता होना चाहिए कि ये 17 का स्क्र है इसके अलावा टू एटी नाइन है तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वन सिक्सटी नाइन और टू फिफ्टी फाइव और टू एटी नाइन ये तीनों जो है क्या है विषम संख्याएं हैं एक लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि ये तीनों विषम हैं और ये सम है तो ये वाला जो अलग हो जाएगा यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये भी हो सकता था इसके अलावा ये भी हो सकता था कि ये तेरह की स्क्वेयर है ये सत्रह की है ये चौदह की है लेकिन ये किसी की स्क्वेयर नहीं है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था ठीक है ये क्वेश्चन मैंने बनाया है इसलिए हो सकता है दो तरह के लॉजिक दिख रहे हैं पहले भी मैंने आपको बताया कि रीजनिंग एक ऐसा है कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मल्टीपल आपको लॉजिक देखने को मिले और मल्टीपल उसके आंसर्स भी निकलते हों तो ऐसे क्वेश्चन का क्या होगा वो ड्रॉप कर दिया जाएगा ठीक है अगर उसको कोई रेज करता है उसके कंसर्न रेज करता है उसके बारे में तो वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है वो आपको मार्क्स मिल जाता है लेकिन अभी आपको यह पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा चलिए आगे अब नंबर्स सिंबल्स अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स इसके अलावा मिसलेनियस मिसलेनियस यानी ठीक है इसमें सभी तरह के हो सकते हैं वर्ड्स और नंबर मिक्स हो सकते हैं वर्ड और अल्फ़ाबेट मिक्स होते हैं अल्फाबेट और डिजिट मिक्स हो सकते हैं है, कुछ भी हो सकता है तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दिए ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखना है उनको एनालाइज करना है कि क्या लॉजिक आपको देखने को मिलता है उसमें तो वही चीज़ अल्फ़ाबेट्स है तो सबसे पहले आपके अल्फ़ाबेट्स क्लियर होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए और उसके बारे में सब कुछ पता करना है तो आपको पिछला चैप्टर क्लियर करना होगा जो आपने पहले से कर रखा है ठीक है तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है ए बी जेड वाई अल्फाबेट जब जब भी दिए होंगे तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले उनकी नंबरिंग चेक करनी है ए और बी का हमें पता है वन और टू है जेड और वाई का हमें पता है ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी फाइव है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट वाई है तो ये लॉजिक हमें पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सी डी एक्स डब्ल्यू सी तीन होता है डी चार होता है आपको पता होना चाहिए एक से छब्बीस तक जब हम उसको नंबरिंग देते हैं तो और एक्स और डब्ल्यू की बात करें तो कितना होगा ये ये इसका उल्टा और ये उसका उल्टा यानी ये चौबीस है यू वी डब्ल्यू एक्स ये तेईस है ठीक है अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं अल्फाबेट्स में मैंने आपको बताया था जो भी अपोजिट निकालना है उसको सताइस में से माइनस कर दीजिए वो उसका अपोजिट अल्फाबेट टर्म यानी जो टर्म है वो आ जाएगी तो पहले और दूसरे ऑप्शन में हमें ये देखने को मिल गया कि ए बी जेड वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी रेसिप्रोकल है यानी ए का उल्टा जेड है बी का उल्टा वाई है उसी तरह सी डी और एक्स डब्ल्यू में हमें पता चला कि ये इसका उल्टा है ये इसका उल्टा है इसी तरह से हम आगे वाले दो ऑप्शन और चेक करेंगे ई एफ यू और वी ई पाँच पर है एफ छः पर है ठीक है यू इक्कीस पर है और वी बाईस पर है ई e और यू को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा ई e जो है पाँच यानी इसका उल्टा कितना हो जाएगा बाईस ठीक है ई e जो है वो वी का उल्टा होता है जबकि एफ जो है वो यू का उल्टा होता है तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज हो गया आपस में पहले ये वाला इसका और ये वाला इसका अपोजिट था ठीक है लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ ये इसका और ये इसका इस तरह से जो है लॉजिक देखने को मिल रहा है हमें फिर एक लास्ट चौथा ऑप्शन और देखते हैं जी और एच जी आपको पता होना चाहिए कितने पर ई एफ जी यानी सात और एच यानी आठ इनका अपोजिट हम देखेंगे सात का अपोजिट जो है वो बीस आ जाएगा आठ का अपोजिट उन्नीस आ जाएगा यानी एस और टी आना चाहिए था जबकि यहाँ पर जो है टी और एस दिया हुआ है एक बार हम फिर से सभी ऑप्शन को लिख लेंगे ए बी ठीक है इनका उल्टा जेड वाई ओके है सी डी और डब्ल्यू सी यानी तीन तीन का उल्टा चौबीस डी यानी चार चार का उल्टा तेईस ठीक है ई एफ और यू वी की बात करें तो ई पाँच पर होता है और एफ छः पर होता है यानी इक्कीस और सत्ताईस माइनस पाँच बाईस तो टी यू और वी ये भी सही है ठीक है इसमें मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो गई मेरे ख्याल से मैंने सभी उल्टे रख दिए हैं ए बी और जेड वाई उल्टे हो गए सी डी और एक्स डब्ल्यू हो गए ई e, पाँच पर है उसका उल्टा कितना होता है बाईस बाईस यानी वी और जी जो है ई एफ जी सात पर यानी बीस और ये ठीक है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वैसे तो ये सभी एक दूसरे के उल्टे हैं लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके बीच में क्या है यू और वी लिखा है जबकि इसको वी और यू होना चाहिए था बाकियों के आ, लैंग्वेज उसके लॉजिक के हिसाब से ठीक है बाकी कोई डिफरेंस नहीं है चलिए आगे इसी तरह से मिसलेनियस में आपको एक और चीज़ देखने को मिल सकती है नंबर अल्फ़ाबेट्स और नंबर आपस में देखने को मिल सकते हैं अल्फाबेट्स और डिजिट तो वही चीज़ है जब अल्फाबेट्स होंगे तो आपको अल्फाबेट्स का भी पता होना चाहिए ठीक है डी और जी दिया हुआ है पहले हम क्या करेंगे डी और जी में कोई रिलेशन देखेंगे डी की बात करेंगे तो हमें पता ये चार पर है और जी की बात करेंगे तो ये कितने पर है डी ई एफ जी यानी सात पर है आपको क्या पता चलेगा कि डी और जी के बीच में जो है कितनी टर्म्स मिसिंग है दो यानी इन दोनों के बीच में दो टर्म्स होती है और यहाँ पे जो संख्या दी है दो है दो ही दी है अगर ये लॉजिक है तो ये आगे भी कम करना चाहिए तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे ई और के का ई और के ई कितने पर होता है पाँच पर और के कितने पर होता है ग्यारह पर इन दोनों के बीच में जब आप चेक करोगे आपको पता चलेगा एफ जी एच आई और जे ये मिसिंग है यानी पाँच टर्म्स मिसिंग है और यही पाँच संख्या जो है ये पाँच आगे ही लिखा हुआ है इसके आगे यानी यही लॉजिक रह रहा है पहला और दूसरे में इसके अलावा हम जे आर सिक्स की बात करें जे और आर दिया है सीधा हम बीच में देख लेते हैं अगर यही लॉजिक रहेगा तो देखते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू के एल एम एन ओ पी क्यू ठीक है कितने अक्षर रैंक है बीच में सात और यहाँ पे जो संख्या दी है वो है छः यानी ये वाला लॉजिक जो है बाकी दो के हिसाब से गलत है एक लास्ट ऑप्शन हम और चेक करेंगे अगर इसमें वही लॉजिक रहा जो पहले और दूसरे में है तो जे आर सिक्स जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है पी और वाई की बात करते हैं पी के बाद में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है इनके बीच में आठ टर्म्स हैं ठीक है और वही आठ संख्या जो यहाँ पे दी हुई है इस तरह से हमें क्या पता चलेगा पहला दूसरा और चौथा जो है आपस में सेम है किसी तरह से क्वालिटी इनकी सेम है जबकि जे आर सिक्स बाकियों से डिफरेंट है इनके बीच में सात टर्म्स ही जबकि संख्या जो है छः लिखी गई है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा चलिए आगे ठीक है तो इस तरह से आपके जो है अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिजिट के ऊपर सिंबल के ऊपर वर्ड्स के ऊपर और अल्फाबेट्स के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत हमारी रीजनिंग में तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम मैंने कोई लगभग दस क्वेश्चन होंगे तो इसको जल्दी जल्दी हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि, कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है प्रैक्टिस सेट सबसे पहले दिया है जिमकॉरबेट रंथम भो बांधवगढ़ और तुंगभद्रा मैंने आपको पहले बताया रीजनिंग आपकी जनरल इंटेलिजेंस जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ को भी चेक कर लेती है साथ में ही आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले जहाँ पर हमारी जनरल नॉलेज भी हमारे काम आई है जनरल नॉलेज का मतलब जो स्टैटिक स्टैटिक जो हम पढ़ते रहते हैं जो चीजें फिक्स है उन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन रीजनिंग के तरह हमें देखने को मिल सकता है जब हमें वो चीजें क्लियर होगी तभी हम रीजनिंग के अंदर इन चीज़ों को डिफ्रेंशियट कर पाएंगे उनको तर्क वितर्क कर पाएंगे तो देखते हैं क्या है जिम कॉर्बेट आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है ठीक है रंथमपुर की बात करें रंथमपुर के नाम से टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है राजस्थान उत्तराखंड बांधवगढ़ की बात करें बांधवगढ़ भी एक नेशनल पार्क कह सकते हैं इसको और शाहिद रिजर्व भी है ये तो ये किस उसमें है किस स्टेट में है बांधवगढ़ एम में है करंट अफेयर की बात करें अगर इसके मैं साथ ही आपको बता दूं तो बांधवगढ़ में अभी हाल ही में जो है बैलून सफारी लॉन्च की गई थी तो पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है इंडिया का जो कि बैलून सफारी लॉन्च कर रहा है ठीक है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश तो हमें इन तीनों में पता चल गया ये किसी ना किसी तरह से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है और किसी स्टेट में है जबकि तुंग की बात करें तुंग के नाम से कोई भी नेशनल पार्क नहीं है तुंग एक नदी का नाम है एक नदी यानी रिवर का नाम है इस वजह से जो है ये तुंग भद्रा जो चौथा ऑप्शन है वो बाकी तीन से डिफरेंट हो जाएगा अब आपको क्या पता चला कि हमें जो वर्ड्स दिए होते हैं उसे हमारे हमें हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करना होता है या आपको कोई फिक्स नहीं पता होगा कि यही क्वेश्चन आगा या यही चीज़ आएगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कोई रैंडम क्वेश्चन मिल गया अब आपको कितना ज्ञान है कितना नहीं है वो चीज़ चेक हो जाएगी उस रीजनिंग के टेस्ट में ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है ये तीनों नेशनल पार्क हैं जबकि तुंगभद्रा जो है नेशनल पार्क नहीं है ये एक रिवर का नेम है चलिए आगे एक और है तीन स्टील आयरन और कॉपर देखिए तीन जो है इसको हिंदी में, में मेरे ख्याल से जस्ता कहते हैं ठीक है ये शुद्ध धातु होती है एक जबकि स्टील जो है स्टील एक शुद्ध धातु नहीं है स्टील है एक मिश्र धातु इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको एक तो होता है प्योर मेटल और दूसरा होता है उप धातु या कुछ और चीज़ें होती है तो उसी तरह से जो स्टील जो है ये दो या दो से अधिक तरह के जो मेटल है उनको मिला के बनाया जाता है स्टील जो है एक कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म नहीं है मेटल की ये एक मिक्स करके बनाया जाता है इसको एक बार अलग कर देते हैं टीन जो है हमारा क्या है शुद्ध मेटल है आयरन लोहा लोहा भी एक शुद्ध मेटल है कॉपर की बात करें कॉपर भी एक शुद्ध मेटल है यानी शुद्ध धातु है तो हमें क्या पता चलेगा इससे कि टीन आयरन और कॉपर ये तीनों जो है आपस में आपस में करैक्ट्रिस्टिक रखते हैं क्वालिटी सेम रखते हैं क्या क्वालिटी है इनकी कि ये सभी शुद्ध धातु है जबकि जो हमारा स्टील है वो एक मिश्र धातु है किन्हीं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो है बनाया जाता है इस तरह से आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखते हैं आगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड फिर आ गया है ठीक है वही सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को नंबर देंगे ठीक है तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये सभी अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेट की आप सीरीज मान सकते हैं इसको एक एक करके आप सभी को लिखेंगे तो एनालाइज़ करना है उसको टी यू वी एक्स इसमें आपको क्या पता चलेगा टी से आगे चलते हैं यू आता है यू से आगे चलते हैं वी आता है वी से आगे चलते हैं डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू से आगे जाके एक्स आता है यानी इनके बीच में एक डब्ल्यू मिसिंग है ये एक तरह की सीरीज हमें देखने को मिल गई ठीक है फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ओ पी आर और एस ओ से आगे जाते हैं तो पी आता है पी से आगे जाते हैं क्यों आता है देन आर देन एस अब हमें पता चला कि यहाँ की जो टर्म है बीच में क्यू वो मिसिंग है दिमाग में रख लिया एनालाइज करके आगे देखिए बी सी डी और एफ बी से आगे चलते हैं सी आता है सी से आगे डी आता है डी से आगे ई e आता है देन एफ आता है अब हमें पता चला कि ये टर्म मिसिंग है यानी पहले और तीसरे में टी यू वी एक्स वाले में और बी सी डी एफ में हमें क्या पता चला कि ये तीन टर्म्स के बाद में जो बीच वाली टर्म है वो मिसिंग है ठीक है जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या था कि यहाँ वाली टर्म मिसिंग थी अब हम क्या करेंगे लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो और देखेंगे हम लास्ट ऑप्शन है एच आई जे और एल यहाँ पे हमें पता चलेगा एच से आगे चलते हैं तो आई आता है नेक्स्ट आई से आगे जे आता है देन के और देन एल सेम वही यहाँ वाली टर्म जो है मिसिंग है अब हमें क्या पता चला कि इन चारों ऑप्शंस में जो पहला बी सी बी ई एफ पी के पहला तीसरा और चौथा जो है वो एक ही तरह का पैटर्न है उनके बीच में जो है तीसरे के बाद में जो टर्म आनी चाहिए वो मिसिंग है ठीक है जबकि जो दूसरा ऑप्शन हमारा ओ पी आर एस वाला है इसमें क्या है कि ये वाली टर्म मिसिंग है ओ पी क्यों आना चाहिए था है ना तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे अल्फ़ाबेट्स मेरे को पता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ाया तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ठीक है पहले जाके चैप्टर क्लियर कर लीजिए अल्फाबेट्स वाला पता चल गया आपको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है चलिए आगे फिर नंबर आ जाता है हमारे पास कुछ संख्या दे दी जाएगी हमें या कोई एक अंक भी हो सकता है सिंगल उनको डिफ्रेंशिएट करना है किस तरह से वो आपस में आ, मेल खाते हैं या कौन सा बाकियों से अलग है नंबर्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है मैंने अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था पिछला एक उसमें हमने देखा कि ओ डी वन वाला फार्मूला भी लग रहा था इसके अलावा स्क्वेयर वाला भी रख रहा था यानी उनमें स्क्वेयर्स भी थी इसके अलावा हो सकता है कि किसी एक ही संख्या से डिविजिबल होते हों है ना या फिर इसके अलावा क्यूब हो सकती है या फिर अभाज्य संख्याएँ हो सकती है काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको वो सभी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है और वो जनरल आपकी जो मैथ्स है उसके आती है ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कहने का मतलब ठीक है तो अब हमारे पास चार ऑप्शन चार संख्याएँ दी गई है एक एक करके हम सभी संख्याओं को देखेंगे सताईस हैं पैंतीस है अठारह है, है और नौ है सताइस हमें पता है क्या है सताईस सताईस पहली बात तो ये कि ये एक विषम संख्या है इसके अलावा सत्ताईस क्या है सत्ताईस तीन की क्यूब है इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है स्थाईस के बारे में या फिर नो इंटू तीन या वो चीज़ वो सभी चीज़ें तो है ठीक है।, है फिर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है थर्टी फाइव थर्टी फाइव हमें पता है जिस तरह से स्ताइस किसी का क्यूब था थर्टी फाइव किसी का क्यूब तो नहीं है लेकिन ये क्या है ये भी ओड है यानी ये भी विषम संख्या है ठीक है दो बातें हमें पता चल गई फिर हम अठारह की तरफ आते हैं तो हमें क्या पता चलता है अठारह जो है ये इवन है सम संख्या है ये किसी का क्यूब नहीं है और इसके अलावा जिस तरह से सताइस जो है वो तीन और नौ से डिविजिबल था उसी तरह से अठारह जो है वो भी तीन और नौ दोनों से डिविजिबल है ठीक है ये दो चीज़ें इन दोनों के बीच में सेम है जबकि पैंतीस जो है वो तीन या नौ से डिविजिबल नहीं था और आगे एक और ऑप्शन जो चौथा है वो और देख लेते हैं ये नाइन है ये हमें पता है थ्री से डिविजिबल तो अभी हमें कई सारे लॉजिक इसमें देखने को मिल रहे हैं एक एक करके बात करते हैं पहला लॉजिक तो ये कि सताईस पैंतीस और नौ विषम है जबकि अठारह जो है सम है एक लॉजिक ये मिल गया इसको इरेज करते हैं यानी अठारह जो आंसर हो जाता है हमारा दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि 27 तीन और नौ से डिविजिबल है अठारह तीन और नौ से डिविजिबल है और नौ तीन और नौ से डिविजिबल है जबकि पैंतीस डिविजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा पैंतीस आंसर हो जाता है मैंने रैंडमली ही लिखे हुए हैं और जब आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा या टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको प्रॉपर उसी तरह से ऑप्शन सेट किए जाएंगे ताकि वो आपस में क्या कहते हैं विरोधाभासी ना हो एक दूसरे को गलत ना फिट कर दे ठीक है तो पूरी तरह से लॉजिक लगा के हर तरह से क्वेश्चन को चेक किया जाता है उसके बाद ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो अब हमें पता चल गया कि नंबर के अंदर किस तरह से हम उसको एनालाइज करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन जो है सोल्व होगा चलिए आगे और देख लेते हैं नंबर्स के अंदर ही नाइन सेवनटी टू नाइन और सेवेंटी टू का रिलेशन चेक करते हैं हमें पता चलता है ये नाइन जो है सेवेंटी टू को डिवाइड कर देता है एट और फिफ़्टी सिक्स की बात करते हैं ये भी हमें देखते ही पता चलता है कि एट फिफ्टी सिक्स को डिवाइड कर देता है एट इं टू सेवन ग्यारह और एक सौ पंद्रह की बात करें हमें पता चलेगा कि ग्यारह जो है डिवाइड नहीं करेगा एक सौ पंद्रह को ठीक है दस और नब्बे की बात करें हाँ ये डिविजिबल कर देगा तो अब हमें इसमें सिंपली क्या पता चल गया कि ये डिविजिबल करता है ये डिविजिबल करता है और ये डिविजिबल करता है जबकि जो हमारा थर्ड ऑप्शन ये डिवाइड नहीं करता है तो ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा और देखते हैं वर्ड के अंदर दिया गया है वर्ड के अंदर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो था जगह का नाम था उसके अलावा हमने बात की थी कुछ काम की बात कर रहे थे सुनना तैरना चलना या चढ़ना है ना तो अब शब्दों के अंदर ही और आगे चलते हैं तो हमें अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे हम पहले वर्ड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा हार्ड लिखा है और सॉफ्ट लिखा है हार्ड और सॉफ्ट को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है हार्ड यानी कठोर कह सकते हैं हिंदी में और सॉफ्ट तो यानी सॉफ्ट यानी सॉफ्ट कोमल सॉरी कोमल कह सकते हैं हिंदी में है ना तो ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन देखते हैं नैरो नैरो का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इसको संकरा नैरो जींस जीस आप कर, नैरो करवा कर पहनते हो ना ये नैरो जीन्स ही आती है आजकल तो ठीक है तो उस चीज़ को कहते हैं संकरा ठीक है और इसके अलावा जो वाइड दी है वाइड का मतलब चौड़ा या जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो उस चीज़ को कहते हैं वाइड जैसे वाइड बॉल होती है आपके तो वो जो आपकी लिमिट होती है एक बाउंड्री उसकी पिच होती है पिच से बाहर जब बॉल जाती है उसे कहते हैं हम वाइड बॉल है ठीक है, है तो इस तरह से आपको पता चलेगा हार्ड और सॉफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है नैरो और वाइड एक दूसरे के अपोजिट है तीसरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे स्वीट यानी मीठा और सोर यानी खट्टा ये भी एक दूसरे के अपोजिट है फिर हम देखते हैं लोंग और हाई लोंग यानी लंबा हाई यानी ऊंचा तो पहले से लेकर तीसरे तक तो हमें यह पता चल गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट थे जबकि लोंग और हाई जो है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है लंबा का जो अपोजिट है वो बोना होना चाहिए था या कुछ और हो सकता था है ना या हाई है ऊंचा लिखा है तो इसका गहरा इसका अपोजिट होना चाहिए था तो हमें क्या पता चलेगा जो चौथा ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है ये हमारा आंसर है और और देखते हैं क्वेश्चन गणित अंकों के ऊपर आठ अनुपात बीस जब अंक दिए हैं सबसे पहले आपको अंकों की क्वालिटी देखनी है कि क्या क्वालिटी आपको देखने को मिलती है आठ और बीस की बात करें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है आठ सम है बीस भी सम है और अगर इनको मैं पूरा सोल्व करते हैं करने की कोशिश करती हैं तो पहले चार अनुपात दस आ जाएगा देन दो अनुपात पाँच आ जाएगा ठीक है इतना सोल्व करके रख लेते हैं फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं अठारह और इक्यासी की बात की जाए अठारह और इक्यासी में हमें सीधा तो कोई रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है और इसको इस अनुपात को और आगे सोल्व भी नहीं किया जा सकता है मेरे ख्याल से या किया जा सकता है किया जा सकता है नौ दुनी अठारह और नौ निमा इक्यासी तो पहले वाले का जो हमारा सोल्व करने के बाद बना था दो अनुपात पाँच और इसका बना है दो अनुपात नौ दो अनुपात नौ ठीक है फिर हम एक और चेक करते हैं दस अनुपात पच्चीस दिया है इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं हमें क्या पता चलेगा दस यानी पाँच गुना और पच्चीस यानी पाँच गुना तो तीसरे का भी जो अनुपात हमें सोल्व करने के बाद मिला वो बन गया दो अनुपात पाँच एक और चेक कर लेते हैं हम वो है बारह अनुपात छत्तीस इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि बारह अनुपात छत्तीस तो ये तो सीधा कर दिया बारह तीस छत्तीस होता है एक अनुपात तीर तो ये अनुपात वाला जो लॉजिक है वो हमारा फेल हो गया क्योंकि यहाँ हमें जो मिला था कितना दो अनुपात पाँच मिला था यहाँ मिला था कितना दो अनुपात नौ मिला था दस अनुपात पच्चीस में कितना मिला था दो अनुपात पाँच मिला था और बारह अनुपात छत्तीस में क्या मिला था एक अनुपात तीन मिला था तो अब इनमें से कोई तीन तो आपस में सेम है नहीं है ना तो इस वजह से ये लॉजिक हमारा फेल हो गया हम फिर से कोशिश करेंगे और कोई लॉजिक ढूंढने की आठ अनुपात बीस अठारह अनुपात इक्यासी दस पच्चीस और बारह छत्तीस जब आप इसको थोड़ा घूर कर देखोगे थोड़ा आ, दिमाग पर कहते हैं कि प्रेशर डालोगे उसको समझने के लिए आपको पता चलेगा ये जो तीन टर्म्स हैं इक्यासी यानी नाइन का स्क्वेयर है पच्चीस यानी पाँच का स्क्वेयर है और छत्तीस यानी छः का स्क्वेयर है इतना आप लॉजिक लगाओगे फिर थोड़ा और सोचोगे फिर आपको पता चलेगा कि छः बारह का आधा है पाँच दस का आधा है नौ अठारह का आधा है तो हमें इन ये जो दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन है यानी ये तीन ऑप्शन है इनके बीच में हमको पता चल गया कि ये जो बाद वाली संख्या लिखी है इक्यासी पच्चीस छत्तीस ये स्क्वेयर है किसका स्क्वेयर है आगे वाली संख्या के आधे का समझ गए फिर से देखिए अठारह इक्यासी अठारह का आधा कितना हो गया नौ और नौ का स्क्वेयर कितना इक्यासी ये चीज़ है फिर दस और पाँच में बात करते हैं दस का आधा पाँच उसकी स्क्वेयर पच्चीस यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है आगे तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसके बीच में ये वाली चीज़ काम नहीं करेगी क्योंकि आठ का आधा चार होता है और चार की स्क्वेयर जो है सोलह होती है तो सोलह नहीं दिया है इस वजह से पहला ऑप्शन जो है वो बाकी तीन से अलग हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो क्विकली हम तीन चार क्वेश्चन और है वो सोल्व कर देते हैं उनचास चौबीस पंद्रह और अस्सी एक एक करके चेक करना है वही सेम चीज़ उनचास की बात करें हमें पता है सेवन का स्क्वेयर है इसके अलावा ओड है चौबीस की बात करें तो क्या है ये स्क्वेयर तो है नहीं किसी की इवन है इतना पता चलता है पंद्रह की बात करें तो पंद्रह क्या है ओड है इसके अलावा स्क्वेयर ये भी नहीं है किसी का अस्सी की बात करें तो अस्सी किसी का स्क्वेयर नहीं एक मिनट आप ये चीज़ देख रहे हो अभी आपको पता चलेगा उनचास जो है वो सेवन का स्क्वेयर है ठीक है ये बात हमें समझ आ गई लेकिन ये जो है बाकी तीनों चौबीस जो है ये किसी की स्क्वेयर से एक कम है किसकी स्क्यर से पाँच की स्क्वेयर से एक कम है यानी पच्चीस जो है वो किसी संख्या की स्क्वेयर है उससे एक कम है उसी तरह से पंद्रह में भी मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि पंद्रह से आगे जो सोलह होता है ठीक है यानी किसी संख्या का स्क्यर है उससे एक कम है इसी तरह अस्सी में भी है ये किससे से नौ की स्क्वेयर जो इक्यासी होती है उससे एक कम है तो इस तरह से आपको कई लॉजिक एक ही कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक देखने को मिल सकते हैं ये तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस क्लियर करोगे आप इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद मेरी एडवाइस लीजिए और जो मैंने बुक्स टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड की थी अरियंत वाली इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से फिफ्टी से हंड्रेड सेवेंटी या एटी क्वेश्चन होंगे इस तरह के जो आपके रेलिवेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा और जब आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि ज़्यादा आपको टाइम नहीं लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने देंगे जिस जिस तरह से अगर आपसे सोल्व नहीं भी होते हैं ना तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आप उसके आंसर की देखिए आप समझिए कि आपने जब उसको एनालाइज करने की कोशिश की तो आपको क्या लॉजिक ऐसा था जो आपके दिमाग में नहीं आया ठीक है जब आप इस तरह से अलग 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 टॉपिक देखोगे अलग अलग लॉजिक देखोगे तो आपका दिमाग खुलने लग जाएगा समझने लग जाएगा उस चीज़ को चलिए आगे फिर एक और है मैंने बताया था जैसे गणित में मैंने अंकों में मैंने बताया कि हो सकता है अभाज्य संख्या दी गई जाए या कुछ और उसी तरह से अल्फाबेट्स में मैंने आपको बताया था कि जो साउंड्स होती हैं सॉरी साउंड नहीं वोल होती है जो स्वर होते हैं ए ई e, आई ओ यू पाँच स्वर होते हैं बाकी इक्कीस जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो जिस तरह से हम इंग्लिश में सॉरी मैथ में दो तीन पाँच सात अभाज्य संख्याओं का अलग एक ग्रुप बना देते थे उसी तरह से अल्फाबेट्स में आपको जो है वोवल्स का अलग ग्रुप देखने को मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है उसी पर बेस्ड है आपको आप यहाँ पे आपको देखने को चीज़ क्या मिलेगी कि ए यू और ओ जो है ये वोवल्स है जबकि टी जो है कॉन्सोनेंट है इसके अलावा हो सकता है आपका दिमाग ये चले कि भैया हम इसको नंबरिंग देखकर देखना चाहते हैं देख लीजिए ए वन है यू ट्वेंटी वन है ओ कितना है फिफ्टीन है और टी जो है ट्वेंटी है तो इस ये लॉजिक लगाने के बाद भी हमारा आंसर जो है वो टी आएगा क्यों क्योंकि पंद्रह इक्कीस और एक ये तीनों जो है ओड है जबकि ट्वेंटी जो है इवन है ठीक है इस तरह से ये क्वेश्चन सोलो होंगे हो सकता है कि मल्टीपल लॉजिक लगने के बाद भी आंसर हमारा सेम आ जाए तो इन चीज़ों से आपको ज़्यादा चौंकना नहीं है होता रहता है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं याद रखिएगा ए ई आई ओ यू वाले जो है क्वेश्चन स्पेशली देखने को मिल जाते हैं कहीं पे भी तो लास्ट के दो तीन क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको मैंशन की जा सकती है आपकी रीजनिंग के अंदर तो यहाँ पर मैंने जो स्थान के नाम दिए हुए हैं ये स्थान आपको तभी तो पता होंगे जब आप करंट अफेयर्स को एक्टिवली फॉलो कर रहे होंगे हमारे पास या कहीं भी ठीक है लेकिन आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तभी आपको ये पता होगा जब आप इन चीज़ों को देखोगे आपको पता चलेगा खरकीव जो है अभी रूस और यूक्रेन का जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में खरकीव जो है ये यूक्रेन के बीच में एक जगह का नाम है मैरीपोल जो है ये भी यूक्रेन के बीच में एक जगह का नाम है कीव जो है ये भी यूक्रेन के बीच में जगह का नाम है कीव यूक्रेन की राजधानी है वहाँ की कैपिटल है तो ये तीनों प्लेस जो ऊपर वाले हैं ये यूक्रेन से रिलेटेड है यूक्रेन के अंदर है जबकि वर्षा वर्षा जो है वर्षा भी एक जगह है लेकिन वर्षा जो है ये यूक्रेन में नहीं है वर्षा जो है ये है पोलैंड की कैपिटल पोलैंड की राजधानी है वर्षा आपने वर्षा पैक्ट हिस्ट्री वगैरह में आपने जरूर पढ़ा होगा है ना तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड है तो अब ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर आपको क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन आता है कोई एग्जामिनर सेट करता है लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड है ना क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको रीजनिंग के अंदर आपकी जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस ये सभी चीज़ें भी चेक हो जाएगी तो अब क्या पता चला हमें आपको आपको ये जो जगह के, जगहों के नाम दिए हैं खरकीव आपको याद रखना है मैरीपोल और कीव ये तीनों जो है यूक्रेन से रिलेटेड है यूक्रेन की राजधानी कीव है और वर्षा जो है ये पोलैंड में है पोलैंड एक नाटो एलाई कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो है वर्षा चलिए आगे इसके अलावा उसी तरह का एक और क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है ये भी यहाँ यह है पी यानी पंजाब नेशनल बैंक एस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच ये भी एक बैंक है ठीक है और इसके अलावा से तो आपकी जनरल नॉलेज का क्या चेक होगा इसमें कि पी एन बी एस बी और एच डी एफ सी सी ये जो पब्लिक बैंक्स हैं यानी पब्लिक इसमें खाता खुलाती है और उसकी पब्लिक की सुविधाओं के लिए ये जो बैंक है काम करते हैं ठीक है पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक और एच डी एफ सी इनकी बात करें जैसे और इसके अलावा एक्सिस आई सी आई व जो भी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं इसके अलावा जब हम सेबी की बात करते हैं सेबी कोई बैंक नहीं है सेबी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है क्या नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है तो ये बैंक नहीं है इसलिए ये बाकी तीनों ऑप्शन से जो है अलग हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से आप देखेंगे आपको वर्ड से रिलेटेड अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सिंबल से रिलेटेड नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्लासिफिकेशन के अंदर चीज़ें देखने को मिल जाएगी ठीक है तो चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ये होमवर्क है ये क्वेश्चन है अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा और अगर नहीं पता चलता है तो टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं टेलीग्राम पर बस वहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पर क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है स्विटी को लेकर पैनिक मत करिए बढ़िया प्रिपेयर करिए ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक